अस्सलाम वालेकुम। आज मैं ईद मिलाद की खुशी में शीरकुरमा बना रही हूँ और आपके साथ मेरी रेसिपी को शेयर कर रही हूँ। तो चलिए हम स्टार्ट करें। मैंने सेवैयाँ ले लिया है, ड्राई फ्रूट में मैंने सारे मसाले ले लिए हैं, घी का इस्तेमाल और शक्कर ले लिया है मैंने। तो चलिए, हम दूध बॉईल होने के लिए रख दिया है मैंने और एक साइड में कढ़ाई रखकर उसमें घी को ऐड करूँगी। आधे घी ऐड करूँगी मैं इसमें और इसे अच्छे से मेल्ट होने के बाद मैं इसमें मेरे जो ड्राई फ्रूट है और जो सेवैया है उसे मैं इस घी में हल्का सा 2 सेकंड के लिए भून लूँगी। तो मैं इसमें ऐड करूँगी बादाम, काजू, चारोली और पिस्ते का इस्तेमाल किया है मैंने ड्राई फ्रूट में। अगर आपके पास ड्राई फ्रूट कम ज़्यादा है तो आप अपने हिसाब से इसमें ऐड कर सकते हो। तो इसे मैं करीबन 2 सेकंड तक का अच्छे से इस घी में भूनूंगी और इसके बाद मैं इसमें जो मैंने सेवैया लिया है उसे मैं इसमें ऐड कर उसे भी 2 सेकंड के लिए भून लूँगी। तो मैं अब इसमें सेवैये को ऐड करूँगी। सेवैये को हाथों की मदद से हल्का हल्का चूरा चूरा कर देना है और इसमें ऐड कर 2 सेकंड के लिए अच्छे से भून लेना है। इसे जलने नहीं दीजिएगा, इन्हें अच्छे से भूनना है घी में और उसके बाद हम इसे एक साइड एक प्लेट में निकाल देंगे। चलिए, अच्छे से मैंने भून लिया है। अब मैंने सेवैया और ड्राई फ्रूट को अच्छे से भून लिया है। मैं इसे ठंडा होने के लिए रख दूंगी और दूध को मैंने एक साइड बॉईल होने के लिए रख दिया था। दूध में एक उबाल आ चुका है, इसे मैं एक जग में निकाल दूंगी और इसी पतीली में मैं घी जो मैंने बचाया था उसे ऐड कर 4 से 5 इलायची डाल दूंगी। मेरे पास इलायची का पाउडर नहीं था तो मैं इसमें इलायची डाल दिया है। अब मैं इसमें जो मैंने दूध बॉईल कर एक जग में निकाल दिया था उसे मैं इसमें ऐड कर इसमें मैंने दूध को ऐड कर दूंगी मैं और इसे इसके बाद मैं इसमें सेवैया जो ड्राई फ्रूट मैंने अलग से घी में ड्राई रोस्ट किया था उसे मैं इसमें ऐड कर करीबन 5 से 6 मिनट तक का अच्छे तरह से इसी दूध में चलाती रहूंगी गैस की फ्लेम को मीडियम रखकर। मैंने इसमें सारे ड्राई फ्रूट और सेवैया को ऐड कर दिया है। मैंने 4 से 5 मिनट तक इन्हें अच्छे से बॉईल किया। ये देखिए, बहुत ही टेस्टी शीरकुरमा बनकर तैयार हो चुका है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो कमेंट में ज़रूर बताइए।